दोस्तों दिल कैम के वीडियो नंबर 3 में हम आज सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से हमारा जो मॉडल है उसका ब्लॉक कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जनरली सेकंड स्टेप होती है। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम फाइल को IGS या फिर स्टेप फाइल में कन्वर्ट करते हैं। और जो दूसरी स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, दूसरी स्टेप में हम हमारे सो ये हमारा कोई भी मॉडल हो या फिर कोई ब्लॉक हो उसको हम वर्क प्लेन दे देते हैं। यहाँ पे भी है रेड कलर की, ये वर्क प्लेन देते हैं। और जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है ब्लॉक कैलकुलेशन। तो वही ब्लॉक कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे भी सिखा रहा हूँ। तो ब्लॉक कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, पूरा जो हमारा मॉडल है उसे ऐसे सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो सिलेक्ट होने के बाद में आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ देखिए आप यहाँ पे ब्लॉक लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ब्लॉक। तो इस ब्लॉक को क्लिक करेंगे। ब्लॉक को क्लिक करने के बाद में अगर आपका मॉडल स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगुलर है तो आप बॉक्स लीजिए, अगर आपका मॉडल सर्कुलर है तो आप सर्कल लीजिए, या फिर अगर आपको बाउंड्री की तरह कैलकुलेट करना है तो आप बाउंड ले सकते हैं। बाउंड्री की तरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या फायदा होता है, यह मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी आप फोकस कीजिए सिर्फ बॉक्स पर और सिलेंडर पर। तो ये हमारा अभी रेक्टेंगुलर शेप है, मतलब बॉक्स में जाएगा ये, तो इसे हम बॉक्स रखेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आएंगे, देखिए कैलकुलेट लिखा है तो इसे हम करेंगे कैलकुलेट। अभी हो चुका है कैलकुलेट, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा ये एक्स की लेंथ कितनी है 150, वाई की लेंथ टोटल कितनी है 50 mm, और जेड की थिकनेस बताएगा जो है 24 mm। तो कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, ब्लॉक को कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट करने के बाद में आपको करना होता है एक्सेप्ट। तो अभी ये ब्लॉक कैलकुलेट हो चुका है, एक्सेप्ट भी हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है वो हम सीखेंगे। तो इसकी नेक्स्ट स्टेप होती है बाउंड्री बनाना। तो बाउंड्री कैसे बनाएंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, हम ये ब्लॉक के ऊपर हम इसे क्लिक करेंगे। ब्लॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ देखिए बाउंड्री लिखा हुआ है, बाउंड्री। तो इस बाउंड्री पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, बाद में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट बाउंड्री लिखा है। क्रिएट बाउंड्री के बाद में आप यहाँ पे आएंगे कर्सर लेके, तो सबसे नीचे देखिए लिखा है यूजर डिफाइन, तो आप यूजर डिफाइन को क्लिक करेंगे। यूजर डिफाइन को आपने क्लिक किया, अब आप सिंपली क्या करेंगे, प्राइवेट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ बाउंड्री टू बी प्राइवेट, इसे अनटिक करेंगे और मॉडल यहाँ पे लिखा है इस मॉडल को आप क्लिक करेंगे और बाद में एक्सेप्ट करेंगे। अभी आप कहीं भी बाहर क्लिक कीजिए, क्लिक किया तो ये हो चुकी है हमारी बाउंड्री। मैं आपको मॉडल ऑफ करके दिखाता हूँ। मॉडल ऑफ करने के लिए सिंपली आपको ये जो येलो है सर्कल है, इस येलो सर्कल पे आपको क्लिक करना होता है। देखिए ये बन चुकी है बाउंड्री। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, हम बाउंड्री बनाते हैं और ब्लॉक का कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा वीडियो था डेलकैम के सेगमेंट का। हम ऐसे रोज थोड़े थोड़े वीडियो सीखते जाएंगे और आपको मैं पूरी तरह से ट्रेनिंग देता जाऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी दोस्त है VMCNC स्टडी करने वाले उन्हें वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।